अफगानिस्तान तालिबान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। तालिबान की हुई सभी की सभी मेहनत गुड़ गोबर हो गई है, क्योंकि तालिबान के साथ खड़े होने वाले देश आज दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तालिबान आज पूरी तरीके से अकेला पड़ गया है और एक बार फिर से तालिबान को मुंह की खानी पड़ रही है पूरी दुनिया के देशों के अंदर। दोस्तों, हाल ही में भारत और अमेरिका ने तालिबान को मान्यता देने से मना कर दिया था कि अगर तालिबान हथियारों के दम पर, बंदूक कर दम पर, AK-47 के दम पर अगर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाता है तो तालिबान को कोई मान्यता नहीं देगा। आज क्या हो रहा है, आज 27 देशों के एक ग्रुप ने तालिबान को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है और तालिबान के लिए बची खुची उम्मीद भी अब धराशायी हो गई है। तालिबान जो सोचे बैठा था कि अमेरिका को यहां से निकालकर मामले को सेटल कर वो यहां पर काबिज हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की नजर आज अफगानिस्तान के ऊपर है और तालिबान ऐसा नहीं कर सकता है। अभी इसी के साथ ये जो प्रोपोगेंडा पाकिस्तान का मीडिया तालिबान को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है वो प्रोपोगेंडा भी बस्ट होने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ जा गई है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि तालिबान अगर बंदूक की गोली की नोक पर अगर आज अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करना चाहता है तो हम तालिबान को मान्यता नहीं देंगे। तालिबान यहां पर अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स को निशाना बनाने की कोशिश में है और तालिबान अपने वादे से मुकरा है। दोस्तों, आज से पहले भी तालिबान का शासन रह चुका है, लेकिन तालिबान ने उस शासन से भी कोई सीख नहीं ली है। तालिबान ने अब जब शांति समझौता किया था तब उसने कहा था कि अफगानिस्तान की सरकार के साथ बैठकर बात करेगा और बैठकर बातचीत हुई भी, लेकिन तालिबान कहता है कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से अशरफ गनी सत्ता में आए हैं उन्हें हटाओ, अगर आप नहीं हटाते हो तो हम आकर हटा देंगे, और इसी के चलते खून खराबा हो रहा है। और यहां पर मजे की बात देखिए कि तालिबान को आज ऑफिशियली तरीके से मान्यता देने वाला देश पूरी दुनिया में कोई नहीं है। भले ही 85-80% इलाके पर तालिबान का कब्जा हो, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के देशों ने उस कब्जे को मान्यता नहीं दी है और तालिबान के लिए सब गुड़ गोबर हो गया है। तालिबान अब कभी भी इस तरीके से काबिज नहीं हो सकता, और अब एक भी बंदूक की गोली चलेगी तो वो बंदूक की गोली फेल हो गई है, उसका कोई भी असर अफगानिस्तान की सत्ता पर नहीं दिखाई देगा। और अफगानिस्तान की जो सेना है वो आज लोगों का समर्थन हासिल कर रही है, लोग अफगानिस्तान की सेना के साथ हैं और तालिबान के खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। तालिबान के लिए अब बस खत्म होने का समय है और इन्हें भागकर पाकिस्तान जाना होगा अपनी जान को बचाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे यूरोपियन यूनियन की स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।